अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाल मोहम्मद है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला दुकी बलूचिस्तान से है। तो इस टाइम मैं अपने गांव में था और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि हम कच्ची आबादी में रहते हैं, यानी हमारे मकानात कच्चे मिट्टी के बने हुए होते हैं। तो आज भी हमारे इलाके में, हमारे एरिया में, हमारे ज़िले में तकरीबन 95% जो हमारे मकानात हैं, जो हमारे कमरे हैं जिनमें हम रहते हैं, वो हम कच्ची मिट्टी से बनाते हैं। 95% अब भी हमारे मकानात कच्ची मिट्टी के बने हुए होते हैं। तो ये हम क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसकी टाइमिंग, इसका दौरानिया कितना होता है, कितनी साल तक ये हमारे कच्चे मकानात चलते हैं, तो ये तमाम तर तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बना दूँगा। तो ये अभी ये दीवार आप देख रहे हो, ये अभी ताज़ा ही दीवार, ताज़ा दीवार बन रही है। ये एक मकान है जहाँ आप देख रहे हो, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसे अभी कंप्लीट करना है और इस पे बंदे काम कर रहे हैं। तो इस तरह हम अपने कच्चे मकानात, अपने कच्चे कमरे, अपने कच्चे जो रहायशगाहें हैं वो हम बनाते हैं। तो अभी आप देख रहे हो ये एक बंदा जो यहाँ पे लेबर है, जो ये काम कर रहे हैं, जो एक अच्छे मकानात बनाते हैं। तो ये हम इस तरह बनाते हैं, पहले ये जो को ये अपने बेलचे से, यहाँ से आप देख रहे हो, तो ये अपने बेलचे से पहले मिट्टी को, ज़मीन को बेलचे से उखाड़ के, तो पहले थोड़ा सा नरम करते हैं, फिर इसके ऊपर ये जो आप पानी देख रहे हो, इसके ऊपर ये पानी लगाते हैं। तो पानी लगाने के बाद फिर ये कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये पानी, ये पूरा तरह ये पानी जज्ब कर ले ये मिट्टी। तो ये कुछ घंटों में जब ये पानी जज्ब कर लेता है, फिर ये इसके ऊपर अपने पाँव लगाते हैं ताकि ये सही तरह मिक्स हो जाएं और ये सही तरह आपस में चिपक जाएं, ये मिट्टी इसी तरह जज्ब कर लें। तो ये जब जज्ब कर लेते हैं तो ये फिर ये अपने बेलचे के ज़रिए, ये जो इसके हाथ में है, फिर ये इसके ज़रिए ये जो गारा है, इसको जो हम मिट्टी कहते हैं, फिर इसको ये निकाल के ना साइड पे रख लेते हैं। तो फिर जब साइड पे रख लेते हैं, फिर उसको थोड़ा सा दबा लेते हैं पाँव के ज़रिए ताकि आपस में सही लग जाएं, मिक्स हो जाएं, थोड़ा सा सख्त हो जाए आपस में। फिर जब ये लग जाता है, फिर उसको उठा उठा के ना ये इस तरह ये दीवार पर लगा लेते हैं। अब ये दीवार है, ये इसके लेवल 1, यहाँ तक इसका लेवल 1 है, फिर ये लेवल 2 है, फिर ये लेवल 3 है यहाँ तक, फिर ये इसके बाद लेवल 4 आता है। ये दीवार जो आपको नज़र आ रही है, ये तकरीबन 2 मीटर की दीवार है, 2 मीटर की दीवार है, इस पे 4 लेवल लगे हुए हैं। तो ये एक लेवल इसके ऊपर लगाते हैं, ये जो बंदा है, ये जब मिट्टी इधर डालते हैं, जब सही तरह मिक्स हो जाए, थोड़ा सा सख्त हो जाए, पानी इसको लग जाए, तो जब साइड पे निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से जब वो अपने पाँव से दबा लेते हैं, फिर इसके ज़रिए ये बेल जो इसके हाथ में है, इस बेलचे के ज़रिए, फिर ये जो दूसरा उस्ताद होता है, जो इस दीवार को बनाने का जो माहिर होता है, जो इस दीवार के ऊपर बैठा हुआ होता है, तो ये मिट्टी उसको देता है, फिर वो इसके ऊपर ये लेवल आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके लगाते हैं, थोड़ा सा फिर उसको लेवल बनाते हैं। फिर ये तकरीबन 2 दिन में ये खुश्क हो जाता है, 2-3 दिन में खुश्क हो जाता है, फिर दूसरा लेवल इसके ऊपर लगा लेते हैं, फिर वो खुश्क हो जाता है, फिर तीसरा लेवल लगा लेते हैं। अभी इस दीवार के ऊपर तकरीबन 4 लेवल लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 लेवल लगे हुए हैं। तो ये इसके बाद इसके ऊपर एक और लेवल भी आ सकता है, 2 लेवल भी और आ सकते हैं, 3-4 लेवल भी और आ सकते हैं ना। तकरीबन एक दीवार जब आप इधर, क्योंकि हमारे जो कल्चर है, एक रस्म है, हम ऊँची ऊँची दीवारें बनाते हैं ना, तो ये लेवल तकरीबन हम 6 लेवल 7 लेवल 8 लेवल तक बनाते हैं। तो ये बर्दाश्त कर लेता है, 7 लेवल तक 7-8 लेवल तक ये बर्दाश्त कर लेता है। अभी ये हम इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे बटे नहीं होते हैं, यहाँ पे एंटे नहीं है। आजकल लोग थोड़े बहुत एंटे ले आते हैं पंजाब से, थोड़े बहुत अपने घरों को या जो उनके मेहमान खाने होते हैं, थोड़े से एंटों के ज़रिए, यानी एंटों से, सीमेंट से बनाते हैं, थोड़े पक्के बनाते हैं। लेकिन अब भी हमारे इलाके में 95% से ज़्यादा जो हमारे मकानात हैं, जो हमारे कमरे हैं, जो हमारे रहायशगाहें हैं, वो इस तरह कच्ची मिट्टी से बनी हुई है। तो ये क्योंकि ये सस्ती पड़ती है, अभी ये हर कोई कर सकता है, तो ये तकरीबन
पर स्क्वायर मीटर, ये इस दीवार के जो पर स्क्वायर मीटर है ये तकरीबन 200 रुपये ये लेते हैं ये लोग, ये जो जो मजदूर होते हैं, जो इनके जो उस्ताद है, जो ये काम करने वाले हैं, ये पर स्क्वायर मीटर सिर्फ 200 रुपये लेते हैं। अभी सिर्फ ये 200 रुपये इसके ऊपर ख़र्चा आता है बस, और कोई ख़र्चा भी नहीं आता है, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये इधर ही ये घड़ा खोद देते हैं, ये जो आपको खड्ढा नज़र आ रहा है, जो आपको घड़ा नज़र आ रहा है, खड्ढा इसको कहते हैं या जो भी आप कहते हो, ये यहाँ भी ये खोद लेते हैं, बेलचे के ज़रिए पानी लगा लेते हैं, थोड़ा सा ये पानी जज्ब करके निकाल लेते हैं, थोड़ा सा पाँव से मार कर थोड़ा सा लेवल कर लेते हैं, थोड़ा सा सख्त कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, फिर उस उठा के ना दीवार के ऊपर लेवल बना देते हैं। तो ये इतना ही बस सस्ता है, सिर्फ इसके जो जो इसके ऊपर खर्चा आता है वो सिर्फ 200 रुपये पर स्क्वायर मीटर इसका ख़र्चा है बस, बाकी इसका कोई ख़र्चा नहीं है, तो इसलिए ये सस्ते पड़ते हैं। और इसकी जो जो इसकी टाइमिंग है, जो इसका दौरानिया है, ये तकरीबन 40-50 साल निकाल लेते हैं। ये जो सामने हमारा गाँव आपको नज़र आ रहा है, देखो ना, ये पूरा का पूरा जो हमारा गांव है ना, ये इसी तरह कच्ची मिट्टी से बनी हुई है पूरा गांव। तो ये इसके तकरीबन 40 साल हो गए, ये जो हमारा गांव है ये 1980 से, मेरे ख्याल में ये गांव 1980-78 से ये गांव बना हुआ है ना, ये मकानात बने हुए हैं, तो अभी तक ये सही है, सलामत है, महफूज है। तो ये कम से कम 40-50 साल लगा लेते हैं ना, इसको कुछ नहीं होता। एक तो ये कि यहाँ की जो मिट्टी है वो भी थोड़ी सख्त है ना, इसकी जो दीवार बनती है, इसकी जो मकान बनती है ना वो सख्त होती है, क्योंकि ये जो मिट्टी है ना ये सख्त किस्म की, इसमें रेत नहीं है, इसमें कोई बाजरी वगैरह पत्थर वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल मिट्टी है, इसमें कोई रेत कोई बाजरी वगैरह का मिक्स नहीं है, साफ़ सुथरी ये मिट्टी है। तो इसलिए इससे जो मकानात बनते हैं, इससे जो कमरा बनता है, इससे जो दीवार बनती है वो बहुत सख्त होती है, वो कम से कम 30-40-50 साल निकाल लेते हैं। बारिशों से बचाने के लिए हम इसके लिए ये करते हैं कि फिर यही मिट्टी, ये जो आपको नीचे ये जो आपको ये जो पानी पे लगा हुआ है इस मिट्टी को ना, ये अभी कीचड़ बन गया, तो इसी में फिर थोड़ा सा हम भूसा डाल लेते हैं ना, जब हम इसके ऊपर लेबल करते हैं, जब इसके ऊपर हम लेबल लगाते हैं ना, जिस तरह सीमेंट से आप वो प्लस्तर लगाते हैं, तो इसी तरह हम इसी मिट्टी का लेबल लगाते हैं, इसी मिट्टी का हम प्लस्तर लगाते हैं, इस मिट्टी के साथ पानी डाल के, और फिर इसके साथ थोड़ा सा भूसा भी डाल लेते हैं, वो भूसा नहीं होता जो चारा, जो गंदम का जो भूसा होता है ना वो इसके साथ मिक्स कर लेते हैं, यानी 70% अगर मिट्टी है तो 30% या 20% वो इसमें भूसा डाल लेते हैं, फिर इसी तरह पानी मिक्स कर लेते हैं, फिर ये इसका थोड़ा सा वो मिसाला बन जाता है, जिस तरह सीमेंट का मिसाला होता है ना प्लस्तर लगाने के लिए, तो हम वो इस तरह इसका मिसाला बना लेते हैं, ये मिट्टी होता है, इसके साथ थोड़ा सा 20% इसमें भूसा डाल लेते हैं, फिर पानी लगा लेते हैं, फिर निकाल के ना इस दीवार के ऊपर लेबल कर लेते हैं, प्लस्तर लगा लेते हैं, फिर वो जो प्लस्तर हम लगा लेते हैं मिट्टी और भूसे का, वो फिर कम से कम 3-4-5 साल निकाल लेते हैं ना, बारिशों से उसे महफूज कर लेते हैं इस दीवार को, इसके अंदर फिर वो बारिश का पानी नहीं जाता, तो बारिश इसके अंदर नहीं जाती, तो वो जो लेबल है उसके साथ, क्योंकि चारा या भूसा मिक्स हुआ हुआ होता है ना, तो फिर वो जब इसके ऊपर हम इसका दीवार के ऊपर उसका प्लास्टर लगाते हैं, उसका जो लेबल लगाते हैं, फिर वो 4-5 साल इस दीवार को बारिशों से महफूज कर लेते हैं, फिर जब ज़्यादा बारिशों से वो उखड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है, फिर हम उसको उखाड़ के ना दूसरा फिर नया मिट्टी और भूसे का इसके ऊपर प्लस्तर लेबल लगाते हैं, फिर वो 4-5-6 साल निकाल लेते हैं ना। तो इस तरह जो कच्ची मिट्टी के जो मकानात हैं, जो कमरे हैं हमारे इलाके में, वो इस तरह 30-40-50 साल निकाल लेते हैं, और इसका ख़र्चा भी बहुत कम आता है। अगर अभी देखो, ये आपको जो दीवार नज़र आ रही है ये कम से कम 20 मीटर की दीवार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको दीवार नज़र आ रही है ये अभी नई बन रही है, एक मकान है, ये इसके ऊपर 4 लेवल इसके बने हैं, इसके ऊपर तकरीबन 2 या 3 लेवल और लगा लेंगे तो ये काफ़ी ऊंचा हो जाएगा, कम से कम 3 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, 3-3.5 या 4 मीटर तक इसकी ऊंचाई हो जाएगी, फिर इसके ऊपर मिट्टी का और भूसे का लेबल या प्लस्तर लगा लेंगे, फिर ये 30-40 साल इसको कुछ नहीं होगा ना, ये महफूज होगा, इसके ऊपर खर्चा
बहुत कम आता है, खर्चा इसका सिर्फ जो मजदूर है जो काम कर रहे हैं उसकी जो मजदूरी है जो 200 पर स्क्वायर मीटर जो मजदूरी लेते हैं सिर्फ वही मजदूरी है, बाकी इसका कोई ख़र्चा नहीं है, क्योंकि ना सीमेंट है, न इसमें पलस्तर है, न इसमें बाजरी है, न इसमें कोई ईंट वगैरह इस्तेमाल हुई है। तो यही कच्ची मिट्टी है, यहीं से निकाल लेते हैं, यहीं से इसका खड्डा खोद लेते हैं और खड्डा खोद के इसकी हिस्सी की ही मिट्टी निकाल लेते हैं, इसमें पानी लगा के तो फिर इसका एक कीचड़ या इसका एक घर बना लेते हैं, या इसका एक इसको या इसको आप क्या मैं आपको बता दूं कि गिल्ली मिट्टी भी कह सकते हैं। तो गिल्ली मिट्टी बना के ना तो फिर उसका इस तरह लेबल बना लेते हैं, दीवार बन जाती है, एक मकान बन जाता है, इसके कमरे बन जाते हैं ना। तो इस तरह हम कच्चे मकानात बनाते हैं अपने इलाके में, तो इस तरह हमारे इसके ऊपर ख़र्चा भी कम आता है और ये 40-50 साल बआसानी निकाल लेते हैं। तो ये था सब कुछ हमारे कच्चे मकानात के हवाले से एक वीडियो जो मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखा दूं कि हमारे कच्चे मकानात किस तरह बनते हैं और इसके ऊपर ख़र्चा कितना आता है और ये कितना दोहरानिया कितना टाइम लगा लेते हैं और बारिशों से हम किस तरह इसे महफूज कर लेते हैं और इसके ऊपर ख़र्चा कितना आता है। तो ये एक वीडियो थी जो मैंने बना ली और आप लोगों को मैंने दिखा लिया कि हमारे कल्चर में हमारे इलाके में हम इस तरह के मकानात बनाते हैं और इस तरह फिर उसको हम इसमें रहते हैं। ये देखो ये इसकी थोड़ी सी ये इसकी लंबाई है, तो इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 40 या 50-60 मीटर इस दीवार की लंबाई है। तो इसकी चौड़ाई तकरीबन 20 मीटर होगी या 22 मीटर होगी, लेकिन इसकी जो लंबाई है तकरीबन 50-60 मीटर इसकी लंबाई है, तो काफ़ी लंबा मकान है। तो इसके ऊपर ख़र्चा बहुत कम आता है। अगर आप इसको इंटू से बनाते हैं, सीमेंट से बनाते हैं, तो सीरिया वगैरह तो बहुत इसके ऊपर ख़र्चा आएगा, लेकिन आप कच्ची मिट्टी से हम बनाते हैं 40-50 साल आसानी से निकाल लेते हैं, तो इसके ऊपर बहुत ही कम ख़र्चा आता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इंटू से या सीमेंट से इस तरह लंबी अगर आप दीवार बनाते हैं ना, जिस तरह ये दीवार है 60 मीटर की दीवार है, तो मेरे ख़्याल में वो हर 30 से 40 मीटर के बाद आपने उसका एक पिलर देना है, उसका बीम आपने ज़रूर देना है, क्योंकि फिर वो गिर जाती है। लेकिन जब आप इस तरह की कच्ची मिट्टी से बनाते हैं तो इसके गिरने का कोई ख़तरा नहीं होता है ना। देखो अभी इसमें बीच में ये आपको एक ऊंची आपको लंबी एक दीवार नज़र आ रही है, इसके ऊपर तकरीबन 2-3 लेवल और भी आएंगे, तो ये 50-60 मीटर तक इसके बीच में कोई बीम कोई पिलर वगैरह नहीं है, क्योंकि नहीं गिरता। लेकिन अगर आप पक्की ईंटों से बनाते हैं, सीमेंट से बनाते हैं, तो इतनी ऊंची दीवार के लिए, इतनी लंबी दीवार के लिए आपने बीच में हर 3-4 मीटर के बाद ज़रूर आपने एक बीम या पिलर आपने ज़रूर देना है, वो इसमें सरिया डालते हैं, क्योंकि फिर जो पक्की ईंटों की जो इतनी लंबी दीवार होती है वो गिर जाती है ना। लेकिन ये कच्ची मिट्टी का होता है, ये नहीं गिरता। ये हमने देखे अपने इलाके में, ये तो 60 मीटर लंबी दीवार है, तकरीबन हमने 100 मीटर लंबी दीवार भी देखी है, 150-200 मीटर तक लंबी दीवारें भी हम बनाते हैं, वो भी नहीं करती बग़ैर पिलर के बग़ैर सीढ़ियों के। तो ये थी इंफॉर्मेशन, ये थी थोड़ी सी मालूमात मेरी तरफ से इस वीडियो के ज़रिए आपको पहुंचाने के लिए कि हम कच्चे मकानात किस तरह बनाते हैं, हमारे कच्चे मकानात किस तरह के होते हैं, इसके ऊपर कितना ख़र्चा आता है, ये हम क्यों बनाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका दोस्त लाल मोहम्मद। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मुझे फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे फॉलो करें लाल मोहम्मद के नाम से। मैं हूँ आप सबका दोस्त लाल मोहम्मद, आप सबका बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।